अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाइम्स वर्चुअल एकेडमी। कल वाले लेक्चर में से पढ़े हो मैप के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ूं क्या, उनमें कल असा डिस्कस कर मैप के, ठीक है। मैप डिस्कस कर मैप चाहे मैप जो टाइप्स केतरी हैं, मैप जो सो शो कराइंदा डिफरेंट मैप समझिए के पॉलिटिकल मैप आ, फिजिकल मैप आ, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैप आ, वो छा पढ़ाई लोकेट कर लोकेट थे हों। अज अस डिस्कस कर ग्लोब से, ठीक है, ग्लोब, ठीक। हाँ तिठो हों ग्लोब, अक्सर सभी दिठो हों ग्लोब जो सो राउंड शेप हों, गोरड़ो सही ना पत तुम समझी वो तो ग्लोब राउंड शेप हों, ठीक है। इतने ग्लोब में सपो लोकेशन में नॉर्थ अची हेठ तुम साउथ अची हेडे वेस्ट अची हेडे ईस्ट अची, ठीक है। हाँ हि ग्लोब, इन ग्लोब में तुम पूरी जो सो दुनिया देखारे होंगी, पूरी दुनिया में जो भी मुल्क हैं, किथे पानी आ, किथे दरिया आ, किथे समुंड आ, किथे जो पहाड़ हैं, किथे प्लेन एरियाज हैं, किथे प्लेटोज हैं, वो सारी शूं तक हर मुल्क जो इन ग्लोब में शो थे होंगे, ठीक है। हाँ नक्शे के तक सो फ्लैट रिप्रेजेंटेशन हों, फ्लैट रिप्रेजेंटेशन कें भी शो लोकेशन के बारे में बुधा पर फ्लैट रिप्रेजेंटेशन हों, ठीक है। ग्लोब के तुम डिफाइन कद स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन, स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ अर्थ, छो इन में पूरी जो सो जमीन के बारे में बुधायल हों, तो जमीन गोल आ, ठीक है। एग्जैक्ट जमीन गोल को जमीन जो बेजवी शिकिल की, ठीक है। पर अस गोल ही कंसिडर सब सिंपल समझना, तुम गोल ही समझो, ठीक है। जो ग्लोब हों वो एग्जैक्ट लोकेशन बुधाई, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बुधाई जाते कड़ो मुल्क आते कड़ो मुल्क आ, ठीक। हाँ ग्लोब के समझने ला तुम दिठो हों ग्लोब तो उनमें काफ़ी लाइनू होंदियों, को हेडे लाइन हिं लाइन होंदी हिं मथा हेठा लाइन होंदियों। हाँ उन लाइन जो मकसद है, उन लाइनों के वो उतें ग्लोब से कें कंट्री के तुम क्या सो लोकेट कर सको था, ठीक है। हाँ ग्लोब एक इमेजिनरी दुनिया ठाई अन, या मथा आसमान का ना ठहल तो इनमें लीकू आन, चाहे साइंटिस्ट जो जोग्राफर्स जो इमेजिन करें उन धोखा हणी एक लाइनू कड़ी तो जो ईजीली सो इन दुनिया के समझी दुनिया मुल्क के लोकेट कर सके, ठीक है। जोग्राफर एकड़ी वेस्ट का ईस्ट एक लाइन कड़ी, ठीक है। वेस्ट का ईस्ट लाइन कड़ी जो दुनिया के गोल गोले के बिन हिस्से में डिवाइड कर छी, हि तुम थी नॉर्थ नॉर्थ वो हि तुम थी नॉर्थ साउथ वो, ठीक। हाँ जो ये लाइन कटियन वेस्ट का ईस्ट के तरफ इनके उन नालो कड़ो दिनो, इनके उन नालो दिनो इक्वेटर, जैसे सिंधी में खते इस्तवा जो पढ़ा हुआ नए डे में खते इस्तवा, ठीक है। इक्वेटर, हाँ इक्वेटर त ग्लोब के जो सो बिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर छी, बिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थो ही जो तुम जोग्राफी में दिठो होंगे अद गोल हों, उन अध गोल के चाहिए हेमीस्फेयर, ठीक है। ही तुम दुनिया बिन अध गोलन में डिवाइड थी, ही तुम थी नादरन हेमीस्फेयर, ही जो पोर्शन है इनके तुम चो नादरन हेमीस्फेयर। हेम मतलब अध, ही जो पोर्शन थी इनके तुम चो सदरन हेमीस्फेयर, सदरन हेमी स्फेयर, ठीक है। हाँ दुनिया जो बिन हिस्सों में डिवाइड कर छी उन नादरन हेमी स्फेयर में कन, बो सदरन हेमी स्फेयर में कन। हाँ हि जो सफा एग्जैक्ट जो नॉर्थ से गुज आया साउथ से गुज आया इनके चवंदा पोल, मथो तुम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ही तुम साउथ पोल, ठीक है। हाँ पोलर एरिया जी एकड़ी गाल पोलर एरिया तकरीबन थ्रूआउट ईयर जो स्नो कैप्ट हों, पूरा साल उन बर्फ जो मिले ग्लेशियर्स वगैरह या
जिथे माना अड़ा थदा इलाका अच्छी जिथे तकरीबन बर्फबारी पवंदी रहे वे एरियाज पोलर एरियाज में अच्छी ठीक है। हाँ एकड़ो तो दुनिया ठीक थी वे बिन हिस्सों में डिवाइड थी वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक है। हाँ अस बुधाई दुनिया के गोल से ग्लोब से पाकिस्तान की लोकेशन छा है ठीक है। तो पाकिस्तान जो मैप से लोकेट थे वो लोकेट थे पाकिस्तान 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ ठीक है। नॉर्थ के जो 23 डिग्री तुम 23 डिग्री किथे तो थे 23 डिग्री हिं लाइन होंद ठीक है। ये 23 डिग्री नॉर्थ सेम एग्जैक्ट जो हेठ भी 23 डिग्री लाइन निकरंदी 23 डिग्री ठीक है। पाकिस्तान जो सो एक 23 डिग्री से थी हाँ 23 डिग्री में इतना शुरू थे हेस तीन 23 डिग्री थी उतना का लाइन अस ड्राइव कल तो इतने पाकिस्तानी लोकेशन ही है मथे वो केस तीन तो वे 23 का वे तो 37 तीन वो बी एग्जैक्ट लाइन 37 से निकल आ ठीक है। 37 डिग्री वो नॉर्थ की तरफ हुई ठीक 23 नॉर्थ की तरफ हाँ एग्जैक्ट यह लाइन वो इतने थी वही 37 ठीक। हाँ जो सो बी एक लाइन ड्रा क्या नॉर्थ का साउथ की तरफ वह अब इमेजिनरी लाइन है जी भी लाइन सब इमेजिनरी लाइनों इन सभी लाइनों के इमेजिनरी लाइन चई सकूँ था। हाँ जो नॉर्थ का साउथ की तरफ लाइन अचे थी उन लाइन के उन्होंने नालो दिनों प्राइम मेरिडियन कड़ो प्राइम मेरिडियन। हाँ प्राइम मेरिडियन छो वरी सो दुनिया के बिन हिस्सों में डिवाइड कर छदें हाँ ही थी सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही थी ईस्टर्न हेमिस्फीयर ठीक है। हाँ दुनिया थी वही चईन हिस्सों में डिवाइड थी वही नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में थी वही सदर्न हेमिस्फीयर में थी वही वरी बी एक लाइन कड़ी उन्हें वरी अभी डिवाइड कर छो ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ठीक है। हाँ वरी सो इन जहाँ इक्वेटर वाली लाइन आने सभी लाइन तो डिफरेंट डिग्री में चार्ज होंगी पर इतने इक्वेटर वाली लाइन से 0 डिग्री चार्ज आ ठीक है। जी जी मथे वो 10, 20, 30 90 डिग्री तीन पावर हों हेठ जो वो पावर माइनस हों -10, -20, -30 ठीक है -90 जो इन लाइन से 90 तीन होंगे हेठ हिं सीधी लाइन होंद हॉरिजेंटल जी लाइन होंद उन्होंने सो एक का वी 180 तीन जो सो डिग्रीज में पावर हों ठीक है। डिफरेंट लाइनों ही है इन लाइनों से 0 का शुरू थोड़े 180 तीन एडे होडे माइनस ठीक है। हाँ ही जो एरिया थी नॉर्थ पोल वो उन चौदह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही जो साउथ की तरफ थी उन चौदासी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पाकिस्तान जो सो ग्लोब में नॉर्थ पोल में इंदो ट्रॉपिक ऑफ उनमें कैंसर में इंदो ठीक है। हाँ पाकिस्तान जो सो एग्जैक्ट लोकेशन मैप से तुम क्या कढ़ तो 23 डिग्री नॉर्थ का 37 डिग्री नॉर्थ ठीक इन में जो सो जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन उन्होंने पाकिस्तानी लोकेशन ईस्ट 61 डिग्री ईस्ट इन तरफ ही वो ठीक है टू 75.5 डिग्री ईस्ट यो क्वेश्चन तकरीबन इंदो अव जोग्राफी में तो व्हाट इज द लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान तो तुम सिंपल चौदह 23 डिग्री नॉर्थ का 37 डिग्री नॉर्थ 61 डिग्री नॉर्थ टू 75.5 डिग्री ईस्ट ठीक है। यो पाकिस्तान लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन आ ठीक है। हाँ जो ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के विच जो एरिया है उनके अस चौदा टेम्परेट रीजन टेम्परेट रीजन्स। हाँ टेम्परेट रीजन्स में जो इन रीजन में कंट्रीज इंदा उ चार ही सीजन्स इंजॉय कंदा वेदर ऑफ 4 सीजन्स इंजॉय कंदा
फोर सीजन थींदो हुते सियारो सरो बहार ऊन्हारो इहे चारई सीज़न जो मज़ो करे वठंदा आहिनि टेम्परेट कंट्रीज़ में जेके हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, हाणे सिजु सपोज़ हितां उभिरियो, सिजु हुते उभिरियो त सॼा रेज़ हेॾे बि वेंदा, हेॾे बि वेंदा। ठीकु आहे, हेसि ताईं जेको आहे सो गर्मी हूंदी, जीअं जीअं अॻिते वेंदो वेंदो त उते थधिकार थींदी वेंदी, गर्माश घटि बि वेंदी। ठीक आहे, अहिड़ी तरह जीअं पोलर एरियाज़ ताईं ईंदो, हिते पोलर एरिया ते सिज जी एक्सेस तमामु घटि हूंदी आहे, इन करे हिते सर्दी तमामु घणी हूंदी आहे। ठीकु आहे, सम्झ में अचेव थो? जेका शइ सम्झ में न अचे त पोइ जेको आहे सर वारनि खे ॿुधाइजो, मां तव्हांखे इनशाला रिपीट कंदुसि। ठीकु, हाणे छा थियो, पाकिस्तान जी तव्हांखे लोकेशन मेप तां मिली वई, ऐं जेके हाणे मेप में हीअं लाइनूं आहिनि जेके ग्लोब में ही लाइनूं आहिनि, वेस्ट खां ईस्ट जी तरफ़ ऐं ईस्ट खां वेस्ट जी तरफ़ ही, नॉर्थ खां साउथ ऐं वेस्ट खां ईस्ट तरफ़ लाइनूं आहिनि। हाणे जेके इक्वेटर लाइनूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि लाइनुनि खे असां चवंदा आहियूं लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड खे माना जेके तव्हांजो हॉरिजेंटल इहो हॉरिजेंटल लाइन्स हूंदियूं आहिनि, हॉरिजेंटल माना हीअ सिधियूं जेके हीअ आहिनि, हॉरिजेंटल लाइन्स आर नोन एज लाइन्स खे छा चवंदा आहियूं, लेटीट्यूड चवंदा आहियूं। ऐं जेके ही वर्टिकल लाइनूं आहिनि, वर्टिकल लाइन्स खे छा चवंदा आहियूं असां, लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। ठीकु आहे, हाणे लेटीट्यूड ऐं लॉन्गिट्यूड जेको आहे सो मिली करे इन्हनि हर लेटीट्यूड ते ऐं हर लॉन्गिट्यूड ते डिफरेंट डिग्रीअ में चार्ज हूंदी आहे। ठीकु आहे, उहा चार्ज छाजे करे हूंदी आहे? सपोज तव्हां वटि एमसीक्यूज़ थो अचे त हाउ विल यू लोकेट पाकिस्तान ऑन ग्लोब, त तव्हां सिंपल हुन जो एंसर जेको आहे इहो ॾेई सघो था, विद दी हेल्प ऑफ लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वन कैन easily locate any region. ठीक थियो, सिंपल तव्हां को बि एमसीक्यू अचे तव्हां ॿुधाईंदो भाउ जेके लेटीट्यूड आहिनि लॉन्गिट्यूड आहिनि जेके बि इमेजन जी लाइन्स आहिनि इन जी मदद सां प्राइम मेरिडियन थी वियो, इक्वेटर थी वियो, उन जी मदद सां तव्हां कंहिं बि रीजन खे ईज़ीली लोकेट करे सघो था। ठीकु, हाणे इन्हनि ई मां तव्हांखे ॿियो एमसीक्यू इहो अची सघे थो त पाकिस्तान जो लेटीट्यूड ऐं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन छा आहे, त सिंपल तव्हांखे पहिरियां ॾींहुं थोरो देरि अॻियां ॿुधोसीं, डिस्कस कयोसीं त पाकिस्तान जो लेटीट्यूड एक्सटेंशन आहे 23 डिग्री नॉर्थ खां घणो, 23 डिग्री खां 37 डिग्री नॉर्थ। ठीकु, इहो पाकिस्तान जो लेटीट्यूड अथव, ऐं लॉन्गिट्यूड पाकिस्तान जो एक्सटेंशन छा आहे, 61 डिग्री ईस्ट खां 75.5 डिग्री ईस्ट, इहो पाकिस्तान जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन आहे। जेकॾहिं लेटीट्यूड अकेलो हूंदो त सिर्फ़ हिन में इहा हिकिड़ो ऑप्शन हूंदो, जेकॾहिं लॉन्गिट्यूड हूंदो त ॿई गॾु हूंदा, लेटीट्यूड ऐं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन जे बारे में ॿुधंदा त पोइ ॿई शयूं हूंदियूं, जेकॾहिं हिकिड़ो हूंदो त हुननि ॿिन्ही मां को बि हिकिड़ो हूंदो एमसीक्यूज़ में। ठीकु आहे, हाणे जेको आहे सो दुनिया जेको आहे सो अची थो वञे त अर्थ जेका कीअं मूव कंदी आहे, अर्थ जेको त इनक्लाइंड अथव, इनक्लाइंड मां हीअं थोरी झुकियल आहे, हीअ सपोज़ हीअं झुकियल आहे। ठीकु आहे, सिधी माना सिधी ईअं एक्ज़ेक्ट सिधी न आहे, 180 डिग्री न आहे, 90 डिग्री न आहे, इनक्लाइंड आहे। ठीकु आहे, थोरी झुकियल आहे पंहिंजे एक्सिस में ईअं। ठीकु, हाणे उन में जेको आहे सो अचूं था पाण डिस्कस कंदासीं रोटेशन ऑफ अर्थ छा आहे, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ छा आहे, अर्थ जी मूवमेंट जे बारे में था पढ़ूं। ठीकु आहे, रोटेशन छा आहे, रोटेशन ऑफ अर्थ छा आहे, सिंपल जेका ज़मीन पंहिंजे मोहर में पंहिंजे एक्सेस में मूव करे घुमे उन खे चवंदा आहियूं रोटेशन ऑफ अर्थ, इन खे सिंपल तव्हां चवंदो मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीकु आहे, उहा मूवमेंट जेका ज़मीन पंहिंजे महवर में करे उन खे जेको आहे सो रोटेशन ऑफ अर्थ चवंदो आहे। सपोज़ हीउ साइकिल जो हूंदो आहे न, साइकिल जो फीथो आहे,
इहो जेको घुमंदो आहे चोतरो पेडल फिराईंदासीं घुमंदो आहे उहो एक्सल जे हुन में घुमंदो आहे माना पंहिंजे मोहर एक्सल जे टायर घुमे थो एक्सल जे मोहर में पंहिंजी एक्सिस में थो घुमे इन खे चवंदो आहे रोटेशन ऑफ अर्थ ठीकु आहे ऐं अर्थ जेको आहे हिकु रोटेशन जेको आहे सो 24 आवर्स में कंप्लीट कंदी आहे 24 आवर्स में अर्थ हिकिड़ो पंहिंजो रोटेशन कंप्लीट कंदी आहे ऐं रोटेशन काज़िस डे चेंजिस इन डे एंड नाइट चेंजिस इन डे एंड नाइट ठीक है रोटेशन जे करे डी ए रात थी ना ठीक सो हाँ रोटेशन शायद सिंपल ता चंदो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस पांजे मवर में जेका जमीन गर्दिश करे उनके रोटेशन ऑफ अर्थ चंदा रोटेशन जो एकरो कंप्लीट जेको स्पिन कंप्लीट कंदी आ 24 आवर में कंदी आ एई रोटेशन जे करे जेको असा डी ए रात थी ना ठीक है हाने ता चो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ छाए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ यार मा सिदो मतलब लिखा ये तो लिखा थोड़ो समझ जो समझाने के लिखा नोट्स तक पीडीएफ में शेयर कदस रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ आन तो बिन्हीं मतलब जो घूमना गर्दिश करना तो रोटेशन में छाए पांजे महवर में होंगी पांजे महवर में गर्दिश कर रिवॉल्यूशन में मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन हाँ सिज के महवर में जेका गर्दिश करे जमीन उनके चबो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ठीक है रोटेशन पांजे महवर में रिवॉल्यूशन जो सो सिज के महवर में सिज जारी घुमंदी वी ठीक है मूवमेंट जो अर्थ कि वेस्ट का ईस्ट की तरफ वेस्ट का ईस्ट की तरफ जो रिवॉल्व कंदी है वेस्ट का ईस्ट की तरफ ये घुमंदी ठीक है ये घुमंदी रोटेशन में ये घुमंदी ठीक है इहा थी वई रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के करे तां छा थींदो आ चेंजिस इन सीज़न्स सीज़न्स हिकु त तव्हांजा मौसम जेके तब्दील थींदा आहिनि उहे रिवॉल्यूशन जे करे थींदा आहिनि ॿियो जेको आहे सो तव्हांजो छा थींदो आहे इन में जेको आहे सो हिकु रिवॉल्यूशन जेको आहे अर्थ पंहिंजो केतिरे टाइम में कंप्लीट कंदी आहे रोटेशन 24 कलाकनि में त हीउ जेको आहे 365 डेज़ में ज़मीन पंहिंजो हिकिड़ो रिवॉल्यूशन जो चकर कंप्लीट कंदी आहे सपोज़ तव्हां ॾे अचे थो एम सी क्यू त ज़मीन जेको आहे सो पंहिंजो हिकिड़ो रिवॉल्यूशन केतिरे टाइम में पूरो कंदी आहे त 365 डेज़ ऐं कुझु अवर बि हूंदा आहिनि 6 अवर आहिनि ठीकु आहे पर जेकर 365 तव्हांखे सम्झण लाइ 365 लिखो ठीकु आहे पर जेको हुन जे क़रीब क़रीब हूंदो उहो तव्हां टिक कंदव एग्ज़ेक्ट 365 न बि हुजे त 365 डेज़ ऐं 6 अवर्स आहिनि ठीकु आहे उहो तव्हां जेको आहे टिक कंदव ऐं पुछंदो आहे मूवमेंट ऑफ अर्थ जे करे छा हिन जेका मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन थींदी आहे उन करे छा थींदो आहे तव्हां हुनखे सिंपल तव्हांजो जवाबु इहो हूंदो त अर्थ जी जेका मूवमेंट थींदी आहे सिज जे चोतरफ उन जे करे जेको आहे असांजी सीज़न्स मौसम चेंज थींदा आहिनि ठीकु आहे ऐं रोटेशन जे करे छा थींदो आहे रोटेशन जे करे ॾींहुं राति थींदो आहे ठीकु आहे रोटेशन जे करे ॾींहुं राति काज़ थींदो आहे ऐं रोटेशन जो हिकिड़ो चकर ज़मीन केतिरे टाइम में कंप्लीट कंदी आहे 24 आवर्स में ठीकु आहे इहे कॉमन शयूं सपोज अचे लेटिट्यूड छा आहे हॉरिज़न्टल लाइन्स ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड छा आहे वर्टिकल लाइन्स ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड ऐं ॿियो सभ खां पहिरियों जेको आहे हीअ जेका इमेजिनरी लाइन जंहिंमें जंहिंखे प्राइम मेरिडियन चवंदा आहिनि उतां टाइम काउंट थींदो अथव दुनिया जो वर्ल्ड टाइम ठीकु आहे ऐं इहा इमेजिनरी लाइन जेका ड्रा कयल आहे इमेजिन कयो आहे उहा इंग्लैंड जो शहर अथव ग्रीनविच उतां ड्रा कयो आहे उतां टाइम काउंट थींदो आहे ग्रीनविच मीन टाइम तव्हां अगरि नोकिया जी मोबाइल हूंदी त उते अलार्म वग़ैरह सेट कंदव त उते लिखी थींदो GMT ठीकु आहे GMT स्टेंस वार ग्रीनविच मीन टाइम ठीकु आहे इतां टाइम काउंट थींदो हुयो त हीअं जीअं तव्हां वेंदो तव्हां टाइम वधंदो वेंदो हेॾे जीअं तव्हां नॉर्थ खां वेस्ट जी तरफ़ ईंदो तव्हांजो टाइम घटिबो वेंदो इन ई रीज़न जे करे जेको आहे टाइम में तव्हांजे ॾींहंनि में सीज़न्स में जेको आहे रोटेशन ऐं रिवॉल्यूशन जे करे जेको आहे सो अॻिते पोइते थींदो आहे ठीकु होप त तव्हांखे जेको आहे ग्लोब सम्झ में अची वियो हूंदो ऐं अञा हिकिड़ो ॿ लेक्चर थींदो जाग्राफी तव्हांजी उन पूरी कंप्लीट थी वेंदी पोइ वरी असां पाकिस्तान अफेयर में ईंदासीं प्री पार्टीशन थोरो पढ़ियो वरी पोस्ट पार्टीशन खे ॾिसंदासीं त जीअं तव्हांखे थोरो टाइम बचियो आहे तव्हां पाकिस्तान स्टेट घणियूं खां घणियूं शयूं कवर कयो ऐं ॿियो तव्हांखे मां इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर बि कंदो तव्हां सां हिते डिस्कस कंदासीं असां लेक्चर में ई त मां उहो तव्हां सिर्फ़ु MCQs डिस्कस कंदासीं त जेके इम्पॉर्टेंट MCQs मुख़्तलिफ़ टेस्टनि में आया आहिनि त इनशा अलाह खैर कंदो तव्हां महिनत कंदो इनशा मार्क्स खणी ईंदो इनशा नेक्स्ट क्लास में असां पढ़ंदासीं
फिजिकल फीचर्स जे बारे में पढ़ना, माउंटेन्स जे बारे में, पासिस जे बारे में, लेक्स जे बारे में, जो सो हाइएस्ट पीक्स कड़ी आन उ नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। ये जो पढ़ाया टॉपिक तमाम इम्पॉर्टेंट, फोकस कजोस। तेस तुदा हाफिज़।